हरे कृष्णा राधे राधे। मित्रों, आज इस वीडियो में हम गले में तुलसी माला पहनने के नियमों पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। महिलाएं परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए तुलसी की पूजा करती हैं। इसी तरह तुलसी की माला भी धारण करना बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान विष्णु और कृष्ण के भक्त तुलसी की माला को धारण करते हैं। कहा जाता है तुलसी की माला पहनने से मन और आत्मा पवित्र होती है। यह भी कहा जाता है कि इसमें कई औषधीय गुण हैं। माला पहनने से कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तुलसा माला से जाप भी किया जाता है। भगवान कृष्ण के भक्त कहते हैं कि तुलसा की माला से जाप करने से आप श्री हरि के और करीब आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नज़र नहीं लगती। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगाजल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पुण्यदायिनी माना जाता है। इसका हमारे जीवन में आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इसकी पूजा अर्चना करने से, देव पूजन में भगवान विष्णु को अर्पण करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर इसके उपयोग से रोग, शोक, ताप, पाप की शांति होती है। तुलसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। श्यामा तुलसी अपने नाम के अनुसार ही श्याम वर्ण की होती है। रामा तुलसी हरित वर्ण की होती है। तुलसी की माला गले में धारण करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। श्यामा तुलसी की माला धारण करने से विशेष रूप से मानसिक शांति प्राप्ति होती है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। मन में सकारात्मक भावना का विकास होता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए पारिवारिक तथा भौतिक उन्नति होती है। इस माला को शुभ वार जैसे सोमवार, बुधवार या बृहस्पतिवार को गंगा जल से शुद्ध करके धारण करना चाहिए। रामा तुलसी माला को विशेष रूप से दैव पूजा, यज्ञ कर्म, अध्ययन आदि में सफलता प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि तथा सात्विक भावनाएं जागृत होती है। अपने कर्तव्य पालन के प्रति मदद मिलती है। रामा तुलसी माला को शुभ वार जैसे सोमवार, गुरुवार या बुधवार को गंगा जल से शुद्ध करके धारण करना चाहिए। तुलसी की माला धारण करने के बाद कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। जो लोग तुलसी की माला को धारण करते हैं उन्हें नॉनवेज खाना भी नहीं खाना चाहिए। जुआ, शराब, सिगरेट आदि बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। तुलसा माला हाथ में नहीं पहनी जाती ब्रेसलेट की तरह, इसे गले में ही धारण करना चाहिए कंठी की तरह। जो तुलसा माला किसी ने पहन रखी हो उसे किसी और को नहीं पहनना चाहिए। जब हम नहाते हैं तब गले पर साबुन लगाने से माला अपने आप साफ हो जाती है, उसे उतार कर साफ करने की जरूरत नहीं होती। तुलसा माला बहुत स्वच्छ होती है, इसलिए ज़रूरी है कि माला पहनने के बाद हम शारीरिक और मानसिक स्वच्छता का ध्यान रखें। चाय कॉफ़ी में कैफीन होता है, इसे भी छोड़ देना चाहिए। ये एक तरह का नशा है। जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो चाय कॉफ़ी नहीं पीते। तुलसा माला पहनने के बाद किसी भी हालत में अवैध शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। अपनी तुलसा माला कभी नहीं उतारनी चाहिए। कई लोग शादी, फंक्शन आदि में जाते हुए अपनी माला उतार देते हैं। जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो अपनी तुलसा माला कभी नहीं उतारते। तुलसा माला और तिलक भक्त का श्रृंगार है। तुलसा माला बाथरूम जाते हुए, नहाते समय, अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए भी नहीं उतारते। कई लोग कहते हैं कि अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो तुलसा माला उतार देनी चाहिए, पर यह धारणा भी गलत है। तुलसा माला सबको पवित्र करती है, उसे नहीं उतारते।
जब इन सभी नियमों का पालन करते हुए तुलसा माला पहनी जाती है, तब मनुष्य के आखिरी समय में यमदूत नहीं आते, बल्कि भगवान श्री विष्णु के पार्षद आते हैं। अगर कोई तुलसी माला धारण करने के बाद इन नियमों का पालन नहीं करता और खाली दिखावे के लिए माला को पहन के रखता है, तो वो पाप का भागीदार बनता है। इस जीवन में यमदूतों की यातनाओं से मुक्ति पाने और श्री हरि के पास जाने का सबसे सरल उपाय तुलसी माला पहनना है, इसलिए हर किसी को तुलसी माला धारण करनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।